1200 करोड़ का खर्चा करके सोने का मंदिर क्यों बनाया तेलंगाना की सरकार ने, वह भी बताऊंगा। लक्ष्मी नरसिंह स्वामी जी ने इस गुफा में किसे साक्षात दर्शन दिए थे, तो मंदिर का इतिहास भी बताऊंगा। मंदिर जो बना है एकदम लेटेस्ट, लेकिन देखने में लगेगा जैसे सदियों पुराना हो। बिना ईंट सीमेंट और रेत के इस्तेमाल करके बरसों पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया मंदिर, जो सदियों तक मौसम की मार झेल के खराब नहीं हो सकता। पंचमुखी नरसिम्हा स्वामी का इकलौता मंदिर जो है ध्यान मुद्रा में, मंदिर जिसमें 39 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ और 1753 टन चांदी का इस्तेमाल करके बनाया गया है मंदिर। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अंत तक बने रहना, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हमेशा की तरह साउथ के मंदिर हिंदी में दर्शन करने के लिए और 1600 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। अगर आप टैक्सी लेकर जा रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर को बोलिएगा कि पहले बस स्टैंड पर उतारे, फिर वो टैक्सी पार्किंग में जाकर पार्क करे। टैक्सी पार्किंग का 50 रुपये लगेगा, लेकिन फिर वहाँ से आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा ऑटो करके या पैदल, तो उससे अच्छा है कि वो आपको बस स्टैंड पर ड्रॉप करे। बस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। 2014 में आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा अलग हो गया और उसे स्टेट का नाम दिया गया तेलंगाना, जिसकी वजह से तिरुपति मंदिर चला गया आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने नक्की किया कि वो भी तेलंगाना में आने वाले सबसे प्रमुख क्षेत्र को इतना डेवलप करेंगे कि लोग तिरुपति की जगह वहाँ पर आएंगे, और आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जाना वसूल है, क्योंकि मंदिर बनाया गया है 39 किलो सोने का इस्तेमाल करके और 1753 टन चांदी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। 200 कार पार्किंग हो सके, फ्री बस सेवा, गेस्ट हाउस, 4 लेन सड़कें बनाई गई हैं कि यात्रियों को तकलीफ़ ना हो। एक साथ 500 लोग दर्शन कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था की गई है आपके लिए। हनुमान जी की मूर्ति 156 फीट ऊँची बनाई गई है। मूर्ति कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती है। हनुमान जी को इस तीर्थ का मुख्य रक्षक माना जाता है। रोज़ 10,000 लोग खाना खा पाएँ, ऐसी व्यवस्था की गई है। यहाँ बस सेवा भी तिरुपति मंदिर की तरह फ्री है। यहाँ की महिमा भी तिरुपति की तरह महान है। यहाँ प्रसाद भी तिरुपति जी की तरह मिलता है, और मंदिर भी तिरुपति जी की तरह सोने का बनाया गया है, और आप आएंगे तो आपको ऐसा फीलिंग भी आएगा कि आप तिरुपति मंदिर में आए। यदादिगिरी गुट्टा, गुट्टा मतलब पहाड़, तो यदादिगिरी पर्वत पर है ये मंदिर। अब जो आप देखेंगे ये बाहर से जो दिख रहा है ये सोने का नहीं है, ये सोने का कलर किया गया है, लेकिन मंदिर के अंदर की दीवारें सोने की हैं। मंदिर के अंदर का शीशा सोने का है, मंदिर के अंदर के खम्भे सोने के हैं। साउथ में दक्षिण में अक्सर मंदिरों के दर्शन अंधेरे में कराए जाते हैं या फिर दिए में कराए जाते हैं, लेकिन ये पहला मंदिर मैंने साउथ का ऐसा देखा जहाँ पे इतनी लाइटिंग थी कि देख के मन प्रसन्न हो गया। पहुँचना बहुत आसान, हैदराबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। तेलंगाना के यदादिरी भुवनगिरी जिला में पड़ता है। 1400 एकड़ में बना है ये मंदिर। मंदिर 11वीं शताब्दी का है और मूर्ति स्वयंभू है। गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ का खर्चा करके बनाया है और पंच नरसिम्हा मंदिर को डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया है। 1400 नक्शे बनाकर बनाया गया है ये मंदिर। अब इतना खर्चा किया है तो 150 रुपये की टिकट लेकर हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, फिर भी 2.5 घंटे का समय लग गया, तो अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर कैसा होगा। पूरे भारत में इस तरह का ये इकलौता मंदिर है जो 4 साल के कम समय में बनाया गया है, लेकिन देखने में लगेगा कि कई हजारों साल पुराना है। 2,00,000 टन काले पत्थर से बना है, जिसे कृष्णशिला कहा जाता है। 3.5 से 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। काकतिया, पल्लव, चोला और विजयनगर जैसे स्टाइल में बनाया गया है ये मंदिर। सैटरडे संडे और छुट्टियों के दिन में चले गए तो समझ लेना कि नानी याद आ जाएगी लाइन में खड़े खड़े। कुछ पैसे देकर आप बाहर की मूर्ति में पूजा वगैरह करवा सकते हैं। देखकर आप समझ जाएंगे कि 5 साल की मजदूरों, आर्किटेक्ट और ब्राह्मणों और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है यह मंदिर। बिना ईंट सीमेंट रेत के इस्तेमाल करके बनाया गया है मंदिर। ये बना है गुड़ चना एलोवेरा जूट पेस्ट को जोड़कर, जैसे पुराने जमाने में बनाया जाता था, जिसके ऊपर 1000 सालों तक मौसम की मार नहीं पड़ेगी।
साउथ में कितनी गर्मी पड़ती है सब जानते हैं, लेकिन पहाड़ पर होने की वजह से यहाँ पर मौसम अच्छा होता है, इसीलिए रोज़ 5,000 से 6,000 लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और छुट्टियों में और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। एक मंजिल चढ़ने के लिए भी बूढ़े और लाचार लोगों के लिए लिफ्ट बनाई गई है। स्कंद पुराण में वर्णन है इस मंदिर का, द्वापर युग में शांता देवी और महाऋषि ऋषि सिंह के पुत्र हुए यदर्षि, जिन्हें यद भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम से यदादेव गुट्टा नाम पड़ा। गुफा के अंदर जब वो ध्यान में बैठे थे तो नरसिंह भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। फिर नरसिंह भगवान अलग अलग स्थानों पर भी प्रकट हुए, जैसे ज्वाला नरसिंह, श्री गंध बेरुड़ा, श्री योगनंदा, श्री लक्ष्मी नरसिंह, ऐसे पंच नरसिंह हैं जिनके अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वो सबके भी आप दर्शन कर पाएंगे। जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, विष्णु जी के 4 धाम हैं, गणेश जी के 8 विनायक हैं, कार्तिक भगवान के 5 मुख्य मंदिर हैं, वैसे ही लक्ष्मी नरसिम्हा जी के 5 मुख्य मंदिर हैं जिसमें ये प्रमुख मंदिर है। वैसे तो 9 मंदिर हैं, लेकिन 9 के 9 नरसिम्हा मंदिरों में ये इकलौती मूर्ति है जो पंचमुखी है। यहाँ पंचमुखी नरसिम्हा जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, गंध बिरंदा नरसिम्हा, सबका आशीर्वाद एक ही स्थान पर मिल जाएगा। 12 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची गुफा में नरसिम्हा भगवान, लक्ष्मी जी और कई देवताओं की मूर्तियाँ हैं। अब आपको मैं नरसिंह मंत्र बताता हूँ और उसका मंत्र समझाता हूँ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो और लोगों को फॉरवर्ड भी कर देना। तो चलिए मंत्र समझते हैं। ओम उग्रम महाविष्णु, ओम हे क्रुद शूरवीर महाविष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान उग्र रूप में प्रकट हुए थे खंभा फाड़ के। ज्वलंतम सर्वोमुखम, आपकी ज्वाला और ताप सर्व यानी चारों दिशाओं में फैली हुई है। नरसिंह भीष्णम भद्रम, हे नरसिंह भगवान, भीषण हैं, भयानक हैं आप दुष्टों के लिए और सज्जन हैं, भद्रम हैं आप भक्तों के लिए। मृत्युर मृत्युम नमाम्यम, आप मृत्यु की भी मृत्यु हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, आत्मसमर्पण करता हूँ। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम दृष्टम मृत्युर मृत्युर नमाम्यहम।